हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एआरके रिप्रेजेंटिंग एनआरके9। डियर स्टूडेंट्स, जी हां, जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, जी हां, एनआरके9 ने अनाउंस किया था कि आपके लिए सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जी हां, आपके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव आपके लिए भी है, जी हां, लेकिन आने वाले दिनों में है, पक्का है। सो सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज हम लोग टेस्ट करेंगे, जी हां, यहां मैं बेटा आप लोगों से बात करने वाला हूं गवर्नेंस की। जी हां, आप लोगों के गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स की बात करने वाला हूं, जिसके पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। बेटा पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर थर्ड बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड चैप्टर फोर्थ दोनों ही यहां पे हमने कवर किए हैं। चैप्टर थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी नजर बार बार डाल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बेटा प्रिपेयर कर चुके हैं चैप्टर फोर, तो ये टाइम में अपने आपको टेस्ट करने का, जी हाँ, जैसे मैंने बताया था, अपने आपको इवैल्यूएट कीजिएगा, बिल्कुल इवैल्यूएट कीजिएगा, ये मौका जाने मत दीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बिफोर द एग्जाम यू हैव टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ टाइम टेस्ट सीरीज, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर दैट, कोई भी आपको रोक सकता सक्सेस होने से, जी हाँ। एंड याद रखिएगा एनआरके9 का, और शायद आपका भी यही ड्रीम है कि आप AIR में आना चाहते हैं, आपकी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहां मिलेगा। आपको अपनी एफर्ट्स को पूरा देना होगा और आप दे सकते हैं, मेरा ये भरोसा है आपके ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है इस टेस्ट सीरीज को, जी हाँ, इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों के पास एक टाइम पीरियड अलॉट किया गया है 1 hour 30 minutes, जी हाँ, एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए यही चैलेंज आपके साथ एक एग्जामिनेशन हॉल में होता है। आप जानते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 3 hours के अंदर एक लेंथी पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है, और जैसा कि ये सब्जेक्ट है ये 4 parts में डिवाइड है, जी हाँ, एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगी, मैं इसको इंश्योर कर रहा हूं आपको। और आपको क्या करना है, इस सीरीज को अटेम्प्ट करना है, इस सीरीज को अटेम्प्ट करके याद रखिएगा सिंपल सा काम करना है आपको, वो ये है कि आपको ना आपका इस सीरीज का फोटो, जी हाँ, आंसर शीट का फोटो 7568387606, जी हाँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इस अपनी आंसर शीट की फोटो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी हाँ, हम यहाँ आपके एग्जाम की शीट को, जी हाँ, आपकी जो आंसर शीट है उसे प्रॉपर हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेट डिस्कस करेंगे, इवन अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगा तो उसको भी हम लोग ढंग से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने डिसाइड किया हुआ है, जहां पर भी मेजर इश्यूज कंटिन्यू होंगे जिस चैप्टर पे, उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली उसकी वीडियो पे अपलोड करके उसे डिस्कस करेंगे और आपकी क्वेरीज को अटेंड करेंगे। डेफिनेटली पर्सनली आपको पूरा अटेंशन दिया जाएगा, ये भरोसा है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा आज, जी हाँ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, एग्जाम अपडेट्स हैं, जी हाँ, और ऐसी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हैं, ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है, तो इन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम, याद रखिएगा स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, हाँ, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और उसके बाद में याद रखिएगा आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं है तो सिर्फ इन्हें को रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, जी हाँ, आइडिया मिल जाए कि आप कितना प्रिपेयर है और कितनी प्रिपरेशन आपको भी करनी है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज पॉज द स्क्रीन।